हाय फ्रेंड्स, हम आ गए आज की वीडियो में। तो पहले भी हमने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को बेल आइकन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज फिर से हम बताएंगे आपको एक अच्छी कहानी, नसरुद्दीन का निशाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने आपको शुरू में कहा, प्लीज़ करिए, प्लीज़ इस बार छोटी लेवल में नहीं खेलेंगे, ऊंची लेवल में खेलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठा बता रहा था। बात ही बात में उन्होंने गप्पे मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं धनुष सकता हूँ, निशाना सानता हूँ और तीर छोड़ देता हूँ। शू, तीर सीधा निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उन्होंने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथ में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यह तुम्हारा बेहतरीन निशाना था, उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू, इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे किया गया, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तुम जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा निशान नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कैसा सोचा, मैं अब अगला कौन है। इतने सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया, निशाना खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू, इस बार तीर ठीक निशाने पर लगा गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बहाए ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने कहा, एक विजेता के अंदाज में कहा, देखो तुमने यह था मेरा
निशाना। धन्यवाद। लाइक वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को बेल आइकन। ओके।